चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों नीट ट्वेंटी वन के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए करेक्शन स्टार्ट हो चुका है इसमें आप सभी फील्ड में करेक्शन कर सकते हैं तो जैसे ही आप नीट डोंट एन टी ए डोंट निक डॉट इन की वेबसाइट पर विजिट करेंगे यहाँ पर आपको करेक्शन रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा मिलेगा इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपने अपने एप्लीकेशन नंबर देना है पासवर्ड देना है उसके बाद में ये कैप्चा कोड डालना है और साइन इन करना है साइन इन करने के बाद में आगे आपको लिखा मिलेगा करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करना है आपने और क्लिक करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर करेक्शन पर क्लिक करना है इसके बाद आप इसमें सभी फील्ड में करेक्शन कर सकते हैं फोटो में भी जिन स्टूडेंट के कोई प्रॉब्लम है तो अपने फोटो भी चेंज कर सकते हैं फोटो सिग्नेचर थम इंप्रेशन के लिए चूज फाइल पर क्लिक करके आपके कंप्यूटर में जहां भी फोटो फाइल रखी है वहां से आप अपलोड कर सकते हैं इसको तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हर एक फील्ड में आप करेक्शन कर सकते हैं आपका फॉर्म यहाँ बिल्कुल जो आपने सबमिट किया था वो अपलोड हो जाएगा उसके बाद जहाँ आपने करेक्शन करना है वहाँ करेक्शन करके आप इसको आ, कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा आप अपने फॉर्म को चेक भी कर सकते हैं कि आपने क्या क्या इंट्री फिल किया है वो भी इसमें चेक कर सकते हैं और इसके बाद में चेक करने के बाद आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है आप क्लोज कर दें एज इट इज़ पहले जैसा ही रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें चेक करके आप क्लोज कर सकते हैं इसमें आप कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं कैटेगरी के, के लिए आप अगर इसमें कैटेगरी जैसे आप ओ ओबीसी से जनरल करना चाहते हैं तो जो भी इसमें फीस है वो एक्स्ट्रा वो आपको पेड करनी होगी तो इस प्रकार से कैटेगरी और बाकी सारे फील्डों में आप करेक्शन कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आप फॉर्म को भी चेक कर लें कि आपने क्या फ़िल किया है क्या नहीं किया है तो ये जो फैसिलिटी है ये फोर्टीन अगस्त ट्वेंटी वन तक अवेलेबल है उसके बाद क्लोज हो जाएगी तो आप इसमें करेक्शन कर दें बाकी जो भी अपडेट मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद